नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फैक्टर यूट्यूब चैनल पर। सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन होने वाला है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। क्लास टेंथ वालों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, इस वीडियो में बने रहना अंत तक, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और इस वीडियो में लाइक का एम रखा है मैंने 100। अगर 100 लाइक हो जाते हैं तो आपको बहुत जल्दी लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करना और 100 लाइक करवा देना, और अति लघु का सॉल्यूशन आप सभी को करवाता हूँ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। ये वो मॉडल पेपर है जो कि यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हुआ था, upmspedu.in पर। तो वहाँ का ये मॉडल पेपर है जो आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। तो समवर्ती सूची के 4 विषय हैं, शिक्षा, विवाह, वन, मजदूरी। ये 4 विषय हैं, इनका उल्लेख कर देना है आपको, हेडिंग डाल के इनके बारे में कुछ लिख देना है, थोड़ा बहुत जो भी आप लिखना चाहें। अति लघु में पूछा है इसलिए आप समझ सकते हैं कितना लिखना है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार वो कौन से 4 राज्य हैं जहाँ लिंगानुपात सबसे कम है? तो 2011 में जनगणना हुई थी, उसके अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य, यानी कि प्रति पुरुषों पर प्रति महिलाएं कितनी होती हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी होती है? तो हरियाणा में सबसे कम, महाराष्ट्र में उससे थोड़ी ज़्यादा, गुजरात में उससे ज़्यादा, और बिहार में थोड़ी उससे ज़्यादा। तो इस तरह से इनका क्रम है, चारों ही राज्य आपको याद करने हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो दो का उल्लेख करना है, दोनों का ही उल्लेख कर देते हैं, किस प्रकार भिन्न था, ठीक है। तो इनका ही उल्लेख कर देंगे हम, किस प्रकार भिन्न था। तो इस बारे में जानने के लिए दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए मैंने दोनों ही यहाँ पर नोट किए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। किसने चलाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य है भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल सन 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, जिसका उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्रकार के गैरकानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। तो उनका क्या काम था इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में? कुछ ऐसा काम करा जाए जिससे क्या है, हम ब्रिटिश सरकार को झुका सकें। इसके बाद असहयोग आंदोलन की तरफ चलते हैं। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग, नरसंहार और आदि अनेक घटना के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश द्वारा ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की जो संभावना नहीं है, संभावना नहीं लगी थी कि इनसे न्याय मिल पाएगा या नहीं, के द्वारा में एक उचित न्याय मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। इस आंदोलन में ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए। तो असहयोग आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया। इस वीडियो में अति लघु ही आपको मिल पाएंगे। वीडियो ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना इन सॉल्यूशन वाली वीडियो को। तो मिलते हैं लघु उत्तरीय की वीडियो के साथ, और 100 लाइक का एम करते हैं। तो प्लीज़ 100 लाइक कर देना, जितनी जल्दी आप 100 लाइक करेंगे इसके तुरंत बाद आपको वीडियो मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।